गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो टाइटल से देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो मेरे पास काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपना नेल पेन कलेक्शन शेयर करूं आप लोगों के साथ। इनफैक्ट जब मैं अपना वीडियो सजेशन भी मांगती हूं तो काफी टाइम से मेरे पास नेल पेन कलेक्शन का रिक्वेस्ट आ रहा था और मैंने लिटरली नेल पेन कलेक्शन वाला वीडियो ना तब के लिए बचा के रखा था। मैंने सोचा जब मेरे पास एक्चुअली में कुछ नहीं होगा तब मैं ये वाला वीडियो डालूंगी, बट क्योंकि अभी मैं काफी फ्रीक्वेंटली वीडियोज पोस्ट कर रही हूँ आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू पोस्ट दिस वीडियो नेल पेन कलेक्शन वाला, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। मेरे पास बहुत सारी नेल पेंट्स नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी हैं, बट हो सकता है किसी के लिए बहुत सारी होंगी, किसी के लिए बहुत कम होंगी, किसी के लिए ये पता नहीं क्या होगा। बट यस, मेरे पास इससे भी इससे तीन गुना ज़्यादा नेल पेंट्स हुआ करती थी पहले, बट क्योंकि कोई सेंस नहीं है इतनी सारी नेल पेंट्स रखने का, मुझे इनफैक्ट ये भी बहुत ज़्यादा लगती हैं। बट ठीक है, ये सारे मेरे फेवरेट कलर्स हैं। मोस्टली इनमें से जो कलर्स हैं वो न्यूड्स हैं, देन कुछ रेड्स हैं, कुछ पिंक्स हैं, पेस्टल कलर्स हैं। तो यस, विदाउट फर्दर डू, तो मैं सारा नेल पेंट्स तो आपको नहीं दिखाऊंगी, जो मेरे टॉप 10 फेवरेट कलर्स हैं मैं आपको वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैं मोस्टली लगाती हूँ। और जब भी मैं लगाती हूँ तो मेरे पास नीचे कमेंट्स आते हैं कि आप कौन सा नेल पेंट लगाए हुए हो। सो यस, विदाउट फर्दर डू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मेरे ये जितने भी कलर्स हैं दे आर परफेक्ट फॉर इंडियन स्किन टोन्स एंड डस्की कॉम्प्लेक्शन टू विटिश कॉम्प्लेक्शन। एज यू कैन सी माई हैंड एंड माई स्किन कलर आर टोटली डिफरेंट। और अभी जब मैं भोपाल से आई थी तो क्योंकि हम लोग कार से आए थे तो मेरा जिस तरफ का हाथ एक्सपोज था कार साइड में, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस और नॉट, आपको ये विजिबल होगा, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये बहुत ही खतरनाक तरीके से टैनिंग हुआ है मेरे हाथ में। और साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ मेरा जो वॉच एरिया है ये भी इफ यू कैन सी, ये इतना पार्ट नॉन टैंड है और ये वाला जो पार्ट है ये पूरा टैंड है। ऐसे ही जहाँ पर मैंने रिंग पहनी हुई है ये देखिए, दिस एरिया इज़ नॉट टैंड एंड बाकी जो पूरा हाथ है वो टैंड है। तो मेरा अभी जो मिला, मेरे हाथ में टैनिंग ख़त्म होती नहीं है, उससे पहले दूसरी टैनिंग आ जाती है, तो बहुत गंदी वाली टैनिंग है। और एक हाथ में है और इस हाथ में नहीं है, मतलब इस हाथ में इस तरह से टैनिंग नहीं है, नॉर्मल है ये, क्योंकि यहाँ पूरा मैं जब जितने घंटे हम कार में बैठे थे 12-13 घंटे, उसमें से कम 7-8 आवर्स इस पूरे हाथ में धूप थी, तो गंदी तरीके से टैन हुआ है ये हाथ। हाँ, तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जनरली कलर्स ऐसे सिलेक्ट करती हूँ जो मेरे हाथ पे अच्छे लगे एंड यू नो कॉम्प्लीमेंट करें मेरे कॉम्प्लेक्शन को, हाथ वाले कॉम्प्लेक्शन को। तो सबसे फर्स्ट आते हैं ये है स्टूडियो वेस्ट का विविड नेल कलर, आई मीन द शेड क्रेम LG02। ये है 175 रुपीज की, इट कॉम्प्लीमेंट्स ब्रिटिश स्किन टोन वेरी नाइसली और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है लगाने के बाद। नेक्स्ट जो कलर है वो है ये वाला, दिस इज़ फ्रॉम कलर बार और दिस इज़ माय एब्सोल्यूट फेवरेट कलर। मतलब ये वैसा गंदा सा येलो कलर नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास एक और येलो है बाय फेसेस एंड लुक एट दिस। मतलब ये देख के आपको लग रहा होगा कि ये बहुत चटकता हुआ है और ये हाथों में भी बहुत गंदा लगता है, बट ये बहुत प्रिटी, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। बहुत ही पेस्टल सा येलो है, एकदम तड़कता भड़कता टाइप का येलो नहीं है। तो आपका अगर टैन हैंड्स है, आपका कलर का, आपका कलर अगर डस्कियर है या ब्रिटिश स्किन टोन के हैं तो ये आपके हाथों में बहुत सुंदर लगता है और बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। एक्चुअली ये इसका नाम मैं आपको बताती हूँ, ये है गोल्डन हनी। तो एग्जैक्टली येलो कलर नहीं है, इसमें मस्टर्ड कलर मिक्स है, मिक्स का सॉर्ट ऑफ है एंड ये बहुत सुंदर लगता है लगाने के बाद। तो दिस इज़ माय एब्सोल्यूट फेवरेट शेड, जब मैं इसको और लगाऊंगी तो आपको लगा करके और समझ में आएगा। एंड लुक एट द बॉटल इज ऑल्सो वेरी वेरी प्रिटी। नेक्स्ट जो कलर है, अगेन दिस इज़ फ्रॉम कलर बार। मेरे पास कलर बार की काफ़ी सारी रेंज है बिकॉज आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ कलर बार नेल पेंट्स। ये एक तो स्पेशली ये वाला जो रेंज है नेल लेकर वाला, फिनिश काफ़ी अच्छी है इनकी, बहुत जल्दी ड्राइड आउट हो जाता है, तो आई रियली लाइक दिस कलेक्शन। एंड ये है, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो ये है कलर बार का, इसका नाम है डस्की मॉफ। बहुत ही ब्यूटीफुल ये कलर के लिए मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि आप कौन सा कलर लगाए हो, काफ़ी सुंदर लग रहा है। सो दिस इज़ अ डस्की मॉव, ये मैं बहुत लगाती हूँ और बहुत प्रिटी सा न्यूड सा कलर है ये। थर्ड आते हैं, अगेन कलर बार का ही रेंज है, दिस इज़ बाय ये अलग ये नेल लेकर का कैरेटिन विद एंड आलमंड ऑयल वाला रेंज है एंड आई एम इन द शेड आयरन मैन। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है, ग्रेइश एंड ब्लूइश मिक्स टाइप का जो कलर होता है ये वैसा कलर है जो कि लगाने पे बहुत सुंदर लगता है, हाथों को बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड लुक एट द बॉटल, बॉटल काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। तो ये है नेक्स्ट कलर।
नेक्स्ट जो कलर है दिस इज बाय शैम्बोर एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल चॉकलेट ग्रेज टाइप का कलर है ये, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है. ये जनरली आउट ऑफ स्टॉक रहता है. ओके, इसका रेंज 180 है. देन ये वाला जो नेल पेंट है कलर बार का, इसका रेंज 199 है. एंड बाकी सब कलर बार के जो नेल पेंट के रेंजेस हैं वो सब, ये 250 का है. दिस वन इज ऑफ 250. एंड देन ये वाला जो येलो है ये 199 का. मैं सबके प्राइजेस लिख दूंगी स्क्रीन पर. ओके, तो ये 180 रुपीज़ का आता है. ये वाला कलर जनरली आउट ऑफ स्टॉक होता है नायका पे, बट एक बार ये स्टॉक में था और मैंने इसको परचेस कर लिया. मुझे ये कलर बहुत पसंद था और मुझे इस टाइप का कलर किसी और शेड में नहीं मिल रहा था. एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल चारकोल कलर, बहुत सुंदर लगता है ये हाथों पे एंड बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है आपकी स्किन टोन को भी. कमिंग टू द नेक्स्ट कलर, दिस इज माई बाई फार द बेस्ट. अगर आप मुझसे बोलो कि इन सब में आपको कोई दो नेल पेंट, एक नेल पेंट सिलेक्ट करनी है जो आप हमेशा लगाना पसंद करोगे, तो वो ये वाला कलर होगा. ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में आई थिंक ये बोल भी चुकी हूँ. ये है कलर बार का चॉकलेट टैन एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस कलर. एक तो ये बहुत सुंदर लगता है, आप इंडियन ड्रेस में भी इसको पहन सकते हो, वेस्टर्न ड्रेस में पहन सकते हो, आप ऑफिस में पहन सकते हो, कॉलेज में पहन सकते हो, पार्टी में पहन सकते हो. ये मल्टीपर्पज़ टाइप का कलर है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड इसका प्राइस है 250 रुपीज अगेन. थोड़ा एक्सपेंसिव है बट बहुत प्यारा है और बहुत चलता भी है. नेक्स्ट आते हैं नायका का ये ब्लैक कलर. ब्लैक मुझे जनरली काफ़ी पसंद है नेल पेंट में, बट मेरे पास सॉलिड ब्लैक कलर की कोई नेल पेंट नहीं है. ये इस तरह का ग्लिटर नेल पेंट है जो कि जिसका कलर, इसका नाम है रॉक एंड रोल नाइट. और ये ऐसा ग्लिटरी टाइप का कलर है एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी. चंकी से इसमें पार्टिकल्स हैं तो काफ़ी सुंदर लगता है. आप पार्टी वेयर ड्रेसेस में इसको कैरी कर सकते हैं. तो मैं जनरली क्या करती हूँ, कोई भी कलर का नेल पेंट लगाती हूँ और उसके ऊपर ये लगा लेती हूँ, तो ये बहुत प्यारा सा इफेक्ट देता है. तो टॉप कोट टाइप का है ये, बट हाँ ये ब्लैक इफेक्ट देता है. अगर आप दो तीन कोट इसी कलर के लगाओगे तो ये प्रॉपर ये वाला जो कलर है ये दिख के आता है. टू द नेक्स्ट नेल पेंट, ये अगेन बाय कलर बार है एंड इसका नाम है सैटिन शेडो. ये भी ग्रेज टाइप का, जो ये वाला शेड मैंने आपको बताया ना, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इन सब का जो कलर रेंज है वो थोड़ा डिफरेंट है, राइट. ये बहुत लाइट है और ये उसी के फैमिली का डार्क टोन है जो कि बहुत सुंदर लगता है हाथों में लगाने में. हल्का सा ये ब्लैकिश इफेक्ट देता है, बट डार्क ग्रे आप बोल सकते हो, डार्क ग्रे विद हिंट ऑफ ब्लूज. नाउ कमिंग टू दिस कलर, काफ़ी ब्यूटीफुल सा प्लम कलर है. मेरे पास बहुत ज़्यादा रेड्स एंड पिंक्स नहीं है, तो ये है काफ़ी ब्यूटीफुल सा पिंक सा कलर है, प्लम कलर है. डार्किश पिंकिश एंड रेडिश और मरूनिश सब कलर इसमें मिक्सड है. काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, आप इंडियन ड्रेसेस में इसको कैरी कर सकते हैं. समटाइम्स मन होता है ऐसे कलर लगाने का तो आप इसको लगा सकते हैं. काफ़ी प्रिटी सा कलर है. अगेन इसका जो प्राइस है वो 199 रुपीज़ है एंड इसका शेड है वाइन एंड चीज़. कमिंग टू द नेक्स्ट कलर, दिस इज बाई नायका अगेन. दिस इज पिंकिश टाइप का कलर है, पॉपी पिंक टाइप का कलर है. इसका शेड नेम है, इसका शेड नेम पता नहीं क्या है, 108. इसमें हॉट पिंक पॉपी इसका नाम है. काफ़ी ब्यूटीफुल सा कलर है. समटाइम्स यू वॉन्ट टू प्ले विद द कलर्स, तब के लिए मैंने काफ़ी पहले लिया था ये, बट अच्छा लगता है. इसका जो फिनिश है वो काफ़ी अच्छी है. That's it. These are all my favorite nail paints. I hope you like this video. छोटा सा था, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा. एंड डू लेट मी नो इफ यू वांट टू सी मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस. एंड दैट्स इट फॉर माय वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. एंड मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.